में कैबिनेट विस्तार के बाद उत्तराखंड में कैबिनेट के विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि त्रिवेंद्र सरकार कैबिनेट विस्तार करेगी या नहीं, इस पर अब भी संशय बरकरार है। दरअसल त्रिवेंद्र रावत सरकार में कई मंत्री पद खाली हैं, जिन पर लोगों की निगाहें लगी है। सत्ता की कमान संभालने के साथ ही सीएम त्रिवेंद्र रावत की कैबिनेट में दो मंत्री पद खाली रखे गए और पूर्व मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद एक और मंत्री पद खाली हो गया है। समय समय पर बीजेपी के अंदर भी खाली पड़े पदों को भरे जाने की मांग होती रही है, लेकिन अब जब यूपी में कैबिनेट विस्तार हो चुका है तो फिर उत्तराखंड में भी बीजेपी नेताओं की उम्मीदें जग गई। संगठन और सरकार मिलकर के दोनों तय करता है, फिर केंद्रीय नेतृत्व उसका राय शुमारी देकर के जो है अपना वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा अधिकार है कि वो कब विस्तार करें और कब करना चाहें, किसको मंत्री बनाना है, ये उनके ऊपर विवेक के ऊपर निर्धारित है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ इसमें जरूर विचार करेंगे और जल्दी ये होगा। मुझे लगता है आने वाले समय में उपयुक्त समय पर हो ही रहा होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें, कोई मतलब कोई पॉलिटिक्स नहीं है किसी तरह का, और कोई प्रेशर भी नहीं है, कोई वो भी नहीं है, बनने चाहिए। पीछे ऐसा था कि भी शायद बनने वाले हैं, पर हो सकता है उसमें कुछ डिस्कशंस बाकी हों, पर हो जाएगा, बहुत जल्दी होने वाला। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता कुलदीप नेगी जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से तीन मंत्री पद खाली हैं और ये पद भरे जाए, कैबिनेट का विस्तार हो, इन सब को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, प्रमुख दावेदार कौन कौन हैं और क्या वाकई ये माना जाए कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार अगले कुछ दिनों में हो सकता है? देखिए, बीजेपी नेताओं की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बीजेपी आपके पास एक बार रुक करेंगे, बीजेपी विधायक खजान दास जी जुड़ गए हैं। खजान दास जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो गया, क्या लगता है कि उत्तराखंड में भी अब सरकार के कैबिनेट विस्तार की जरूरत है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है। मुख्यमंत्री जी जब चाहे विस्तार कर सकते हैं, वो भी अपने जो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है, चाहे वो प्रदेश का संगठन हो चाहे केंद्र का संगठन हो, उसके विचार उपरांत के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले सकते हैं, किंतु ये मुख्यमंत्री जी के अधीन है कि जब वो चाहेंगे तब हो पाएगा जी। तो क्या जिस तरीके से ये पूरी परिस्थितियां हैं कि तीन पद खाली पड़े हैं, राजपुर को भी जरूरत है कि वहां से भी एक मंत्री हो? देखिए, ये मैंने कहा है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और भारतीय जनता पार्टी के कुल मिलाकर के इस समय 56 विधायक हैं, जिसको चाहे उसको बना सकते हैं, और अभी तक नहीं भी बने हैं तो कोई भी काम रुका नहीं है, काम लगातार चल रहा है। और कुल मिलाकर के जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो उस समय भी जिस तरह से उत्तराखंड को देखा जाता था, एक पर्वतीय विकास मंत्री होता था, पूरे उत्तराखंड को देखता था, किंतु अन्य विभागों के भी मंत्री होते थे, किंतु विशेषकर पर्वतीय विकास मंत्री उस समय देखा करते थे। मुझे ये लग रहा है कि ठीक बात है कि आज उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है, उसका गठन हुआ है, किंतु मंत्री बनना न बनना ये मुख्यमंत्री जी के अधीन होता है, मुख्यमंत्री जब चाहे तब कर सकते हैं जी। क्या संगठन में इस चीज को लेकर कोई चर्चा हो रही है, औपचारिक या अनौपचारिक तरह से? संगठन में चर्चा होती है, बातचीत होती है, किंतु बाकायदा यहाँ पर सामूहिक विचार होता है, सामूहिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, सरकार और संगठन आपस में बातचीत करते ही कोई डिसीजन लेती है, और जब उत्तराखंड का संगठन और सरकार कोई निर्णय लेती है तो फिर उसकी मोहर केंद्र का जो हमारा नेतृत्व है, जो वरिष्ठ नेतृत्व है, उनसे अनुमति मिलती है। तो इसी के निमित्त मुख्यमंत्री जी इसमें विचार कर रहे हैं, जब चाहे तब हो सकता है ये। क्या शपथ ग्रहण जब होगा नए मंत्रियों का, तो उसमें हम खजान दास जी का चेहरा देख सकते हैं क्या? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कुलदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मन में इच्छाएं हैं कि मंत्री पद मिलने चाहिए, विस्तार होना चाहिए और मुख्यमंत्री पर सब कुछ छोड़ा जा रहा है, लेकिन क्या कुछ हो रहा है संगठन के स्तर पर, उम्मीद है क्या?
बिल्कुल ठीक कहा आपने, बीजेपी में भले ही कोई खुलकर न बोल रहा हो लेकिन बीजेपी के जो विधायक और खासतौर से वरिष्ठ विधायक हैं वो चाहते हैं कि अब जो खाली पड़े मंत्री पद है वो भर दिए जाने चाहिए। वक्त भी लंबा हो चुका है और यूपी में भी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, लिहाजा उत्तराखंड में चूंकि छोटा प्रदेश है बहुत ज्यादा मंत्री पद खाली नहीं है, 3 मंत्री पद है, तो ऐसे में वो भी चाहते हैं, संगठन चाहता है कि ये मंत्री पद भी भर दिए जाए समय रहते तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत से विधायक ऐसे हैं जो काफी वरिष्ठ हैं, वो चाहते हैं, संगठन पे भी अपनी बातें सामने रखते हैं कि जो खाली पड़े पद हैं उनको भर दिया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि विशेषाधिकार सीधे तौर पे मुख्यमंत्री का है और बीजेपी में संगठन और सरकार दोनों मिलकर ही कोई फैसला लेते हैं, तो संगठन की तरफ से तो ये हमेशा से इच्छा जाहिर की जाती रही है कि वो जो कैबिनेट में खाली पड़ी बर्थ है अब वो भर जानी चाहिए, लेकिन यूपी में जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उत्तराखंड में जो बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उनकी जो उम्मीदें अब वो हिलोरे मारने लगी हैं, वो भी चाहते हैं कि कैबिनेट का विस्तार हो और उनका जो नंबर है उन्हें मौका मिले, उनका नंबर जो है कैबिनेट में पड़े, वो भी कैबिनेट मंत्री बने। इस वक्त समीकरण की बात करूं तो चूंकि मौजूदा वक्त में अगर गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का समीकरण बिठा के राजनीतिक दल चलते हैं तो वर्तमान में मुख्यमंत्री वो गढ़वाल क्षेत्र से हैं, इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो मंत्री अगर बनते हैं या कैबिनेट का विस्तार होता है तो कुमाऊं क्षेत्र को इसमें तरजीह दी जाएगी, क्योंकि वहां से जो प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट वो सांसद बन चुके हैं और संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया बीजेपी के आगे जारी है, तो बहुत से ऐसे वरिष्ठ नेता वहां कुमाऊं में भी हैं जिनकी उम्मीदें हैं कि शायद अगर कैबिनेट विस्तार होता है या जल्द कोई फैसला सरकार के द्वारा लिया जाता है तो उनका नंबर पड़ सकता है, वो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। वहीं गढ़वाल की तरफ से अगर हम बात करें तो एक मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन ये सब देखना होगा कि संगठन, चूंकि यूपी के बाद अब संगठन बीजेपी का जो प्रदेश संगठन है वो किस तरीके से सरकार के साथ बातचीत करता है और क्या मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट में जो विस्तार होना है उसको इस वक्त मंजूरी देते हैं, उसको कैबिनेट विस्तार करते हैं या फिर बाद के लिए छोड़ा जाता है जी, लेकिन बीजेपी में चर्चाएं जरूर ये चल रही है। बिल्कुल चर्चाएं चल रही, लेकिन कुलदीप अगर हम दावेदारों की बात करें तो क्या कुछ नाम प्रमुख तौर से आ रहे हैं जिन्होंने खुलकर कहीं दावा कर दिया हो कि इस बार हमारी बारी है, हमारा नंबर है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी संगठन में चाहे वो विधायक हो वो दावेदारी खुलकर करते नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह रहती है क्योंकि पार्टी के जो विधायक हैं वो संगठन के सामने तो अपनी बात रख सकते हैं लेकिन बाहर खुलकर कभी भी अपनी दावेदारी पेश नहीं करते, अपनी दावेदारी नहीं जताते हैं। अगर बात कुमाऊं क्षेत्र से करें तो कुमाऊं क्षेत्र में भी पार्टी के कई वरिष्ठ विधायक हैं जो कि तकरीबन 3 बार से अधिक वो विधायक रह चुके हैं, उन्हें भी उम्मीद है कि हो सकता है अगर कैबिनेट विस्तार हो तो उन्हें जगह इसमें दी जाए। बिशन सिंह चुफाल कुमाऊं क्षेत्र से हैं, बीजेपी के विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं, उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जगह दी जाए, वो भी इस उम्मीद में है। इसी के अगर हम कुमाऊं क्षेत्र में ही देखें तो और भी वंशीधर भगत का नाम है जो कि पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो चाहते हैं कि अगर कैबिनेट का विस्तार हो तो उन्हें उसमें जगह मिले। अगर गढ़वाल क्षेत्र से बात करें तो नाम चर्चाओं में जो रहता है मुन्ना सिंह चौहान जो कि बीजेपी के विधायक तेज तर्रार विधायक भी हैं और यह माना जाता है कि उनको अच्छा राजनीतिक अनुभव होने के साथ ही संसदीय परंपराओं को भी अच्छा ज्ञान है, तो क्या उन्हें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पूर्व मंत्री प्रकाश पंत जिनका निधन हुआ है उनके निधन के बाद से कैबिनेट की जो बर्थ खाली हुए संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे, तो इस वक्त बीजेपी को तलाश है एक ऐसे चेहरे की जो संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी बखूबी संभाल सके। चेहरा कौन हो सकता है, क्या किसी पुराने मंत्री को ही जो पहले से ही मंत्री हो उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी जाती है या फिर कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तलाशते हैं संसदीय कार्य के लिए? तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिन पर चर्चाओं का दौर इस वक्त बीजेपी में जारी है और बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी कैबिनेट विस्तार होगा और देखने वाली बात होगी कि ये उम्मीदें कब पूरी होती हैं और कब विस्तार दिखता है। शुक्रिया कुलदीप जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।